गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमिस्ट आर्टिस्ट। आज मैं आपको सारा अपना प्रोसेस बताऊंगा कि मैं कैसे अपने मोनोक्रोमेटिक पोस्टर्स डिजाइन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक व्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जो मैं रेजोल्यूशन यूज करता हूं वो है 2000x2500 पिक्सेल्स, 72 रेजोल्यूशंस में यूज करता हूं। और हम इसे ये फाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और जो मैं मोस्टली कलर्स यूज करता हूं वो यूज करता हूं ये ठीक है। तो हम इसको करके एक्सप्रेस के साथ अपने बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। और फॉर द सेक ऑफ वीडियो में ये कुछ एलिमेंट्स जो है पहले से कट आउट करके रखिए ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो पोस्टर में सबसे पहले हम अपना कलर ऐड करेंगे। कलर में मोस्टली ये डार्क वाला यूज करता हूँ मोस्टली, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर राइट, सही है जी। और जो मैं फॉन्ट्स यूज करता हूँ मोस्टली वो होता है अमेरिकन कैप्टन, ठीक है जी। ये हमारा फॉन्ट आ गया। हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और इसकी थोड़ी कर्निंग जो है वो थोड़ी कम करेंगे। सही है अभी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा मेन सब्जेक्ट वो ये बंदा है, उसको बिठाएंगे इसके ऊपर, इसकी साइज कम करेंगे, ठीक है जी। सही, उसके बाद हम एक इवेंट सैचुरेशन की लेयर बनाएंगे, उसको हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे सब्जेक्ट से। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम रेड सेट करेंगे और ये आईड्रॉपर टूल उठाते हुए रेड के ये कलर है स्किन का ये सेट करेंगे और उसको कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। उसके बाद हम एक और लेयर बनाएंगे एडजस्टमेंट लेवल, क्लिपिंग मास्क कर देंगे और थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि थोड़ा पॉप आउट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक और सब्जेक्ट एक और लेयर बनाएंगे सिलेक्ट कलर की, ठीक है। उसमें हम रेड कलर सिलेक्ट करेंगे और उसको हम फोन के कलर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये ग्रंज इफेक्ट जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो लेके आऊंगा इस आर्टवर्क में और इसको मैं प्लेस कर दूंगा अपने बैकग्राउंड के साथ। इसको हम बैकग्राउंड के साथ प्लेस कर देंगे और यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड जो है उसका साइज भी आर्ट मोड के साथ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं ब्लेंडिंग मोड यूज करता हूँ मोस्टली इनके लिए ठीक है, एक इसकी और कॉपी बनाएंगे और इसको हम बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे और ये भी हम सब्ट्रैक्ट ब्लेंडिंग मोड में रखेंगे और ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। और इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा वो मैं फॉन्ट के ऊपर रख दूंगा इसको, ठीक है। इसको मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा फॉन्ट के साथ, तो टेक्स्ट लेयर थी जो उसके साथ हम इसको ठीक है। जब ये देखेंगे कितना खूबसूरत लगता है। और उसके बाद हम थोड़े बनाएंगे यहाँ पर शेडोज। हम एक लेयर क्रिएट करेंगे सब्जेक्ट के नीचे, ब्रश का कलर कर देंगे हम ब्लैक, अब हम यूज करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल जिसे पोस्टर में मैंने यूज किया था, ये राउंडेड रेक्टेंगल में लेके आऊंगा। इनका कलर हम करेंगे ये कलर कोड में यूज करता हूं M6, ठीक है जी। ये हम और
यहाँ पर जो मैंने दूसरा कॉपी किया था ये वाला रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल, इसको हम लगा देंगे लेयर मास्क, ठीक है। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करके और उसके ऊपर माउस ओवर करके अगर आप यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसकी चेंज आ रही है। तो फिर ये जो सारा सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट की हो जाएगी। फिर हम वापस आएंगे इस पे लेयर मास्क पे और कलर कर देंगे ब्लैक, उसको यहाँ से मिटा देंगे। टेक्स्ट था वो भी मैं कॉपी करके यहाँ पर लाया, उसको भी हम कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पर था, सही हो गया। एक और टेक्स्ट भी मैं शर्ट भी कॉपी करके लाया हूँ वहां से जो मैंने यूज किया था, ठीक है। इसको हम लेके जाएंगे बिल्कुल नीचे, सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे, ठीक है जी। ये यहाँ पर जो मैंने यूज किया था, सही है। और ये फॉन्ट जो था तो मैंने आपको बताया ये कोड लिखा हुआ है, इसको भी हम बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से मार्च। उसके बाद हम एक दूसरा टेक्स्ट था वो मैं कॉपी कर दिया, और ये दूसरा टेक्स्ट था वो हम बिल्कुल ऊपर करके यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारा तकरीबन पोस्टर तैयार हो गया। उसके बाद हम एक और लेयर बनाएंगे बैकग्राउंड लेयर के बिल्कुल ऊपर, वो बनाएंगे हम शेप की लेयर, ठीक है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करके कस्टम शेप्स में जाएंगे, उसके बाद हम ये वाला जो शेप है ये यूज करेंगे। इसको हम कंट्रोल कर शिफ्ट प्रेस करके इसको हम यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद जो हम फाइनल एक लेयर बनाएंगे उसकी शेडोज की, ये जो जूते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये यूज करेंगे ब्रश, ब्रश की साइज हो गई इतनी और जगह ब्लू मैंने लाइन रखा हुआ है, हल्का सा मैं यहाँ पर एक शेडो क्रिएट करूंगा यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही है तो शेडो इस तरफ से, उसके हम थोड़ी मतलब की ओपेसिटी में इसकी कम कर दूंगा। तो ये ले जी, ये हो गया हमारा कम्प्लीट। अगर आपको ये मेरी पोस्टर डिजाइन की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं दूसरी वीडियोस फ्यूचर अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन।